The journey starts today. तो गाइस पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में तुम सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पोकेमॉन जर्नीस के एक बड़े अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि होओ का रिटर्न पोकेमॉन जर्नीस में बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है और हमारा ऐश उसे पकड़ भी सकता है। हाँ, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो को हम तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरीज, तो और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मर्चेंडाइज और पोस्टर्स, और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करने वाले अपनी कुछ प्रिडिक्शंस। तो आज की वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी। तो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी वीडियोस तुम्हें मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर टॉक, लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कुछ थ्योरीज के बारे में। तो पहली थ्योरी ये कहती कि जो अभी लेजेंडरी आर्क स्टार्ट होने वाला है, हमें हो वहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा सही मुझे लगता है, क्योंकि लेजेंडरी आर्क में यार हो का ना आना बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है हो लेजेंडरी आर्क में हमें देखने को मिलने वाला है। और एक और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे हमको म्यूटू देखने को मिला था, वैसे हमको एक नया एपिसोड हो के ऊपर पूरा देखने को मिलेगा। इसके भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, जैसे हमको म्यूटू वाला एपिसोड देखने को मिला था। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो रही है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ मर्चेंडाइज के बारे में। तो जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि लेजेंडरी आर्क में वो देखने को मिलने वाला है, तो इस एक मर्चेंडाइज हमें देखने को मिली जहाँ पर हमें लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को मिल रहे थे। और हमको बहुत सारी ऐसी लेजेंडरी मर्चेंडाइज देखने को मिल रही है जहाँ पर हमें हो देखने को मिल रहा है। तो अपनी स्क्रीन के सामने तुम देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी मर्चेंडाइज है जहाँ पर हमें हो देखने को मिल रहा है। और यार हो वैसे यार बहुत ही ज़्यादा कमाल का पोकेमॉन है, और हो को ऐश ने सबसे पहला पोकेमॉन था लेजेंडरी जो उसने देखा था। तो मुझे लगता है कि हो और ऐश फिर से मिलेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो और ऐश एक बार फिर से मिलने वाले हैं। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो मर्चेंडाइज तुम देख ही लिए, तुमने कितने ज़्यादा कमाल की मर्चेंडाइज है यहाँ पर, जिसे हमें ये पता चलता है कि हो पोकेमॉन जर्नीस में हमें देखने को मिलने वाला है। और तो आर्यन मतलब तुम खुद सोचो कि ऑफिशियल पोस्टर में भी हमें हो देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है हो पक्का से पक्का आने वाला है, मतलब मैं 100% कन्फर्म हूँ कि हो रिटर्न करेगा। तो बात करें कि ऐसे पकड़ सकता है कि नहीं, तो उसके 50% चांसेस है। तो मैं 50% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार हो एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड पोकेमॉन भी है, और ऐश को मतलब यार मुझे नहीं लगता कि ऐश पकड़ सकता है। हाँ, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी तो यार मतलब गो तो नहीं पकड़ने वाला, गो तो बिल्कुल नहीं पकड़ने वाला हो को, तुम टेंशन मत लो। तो हमारा ऐश ही पकड़ेगा अगर हो को कोई पकड़ने वाला है इस सीरीज़ में। तो गाइस आज की वीडियो इतनी थी, होपफुली तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की बुक है तुम्हारे स्क्रीन के सामने। तो इस पोकेमॉन को हराने के लिए तुम कौन सा टाइप का पोकेमॉन लेना चाहोगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।